रबाब और मटका के उस्ताद इशफाक हामिद भट्ट के टैलेंट और साज पर उनकी मास्टरी का इतराफ करते हुए सरकार ने उसे साल 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल अवार्ड पाने वालों की लिस्ट में शामिल किया है। उस्ताद इशफाक हामिद भट्ट को ये एजाज 22 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनाकिद तकरीब के दौरान दिया जाएगा। इशफाक हामिद का सिलेक्शन आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में किया गया है। इसके तहत इशफाक अहमद को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल अवार्ड जीतने वालों को 23 जनवरी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा 26 जनवरी को तकरीब में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। बता दें कि उस्ताद इशफाक हामिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। इससे कबल उसे 13वें कश्मीर फेस्टिवल और गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर भी एजाज से नवाजा गया था। इसके अलावा सरहद नामी एनजीओ ने 2020 में उसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा था। आज चर्चा के लिए हमारे साथ खुद इशफाक हामिद जुड़ गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इशफाक हामिद, सबसे पहले तो केसर टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि खुद इतना बड़ा अवार्ड आपको मिलने जा रहा है, आपका नाम लिस्ट में शामिल है और वजीर आजम से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया जा रहा है और अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इनको भी बहुत खुशी है, ये हमारे घर में खुशी लौट आई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये हमारे स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये अवार्ड मिला और खुद प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। जी बिल्कुल इशफाक, आपके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको दर्शकों को बजाकर दिखाएं। ओके मैम, ये अच्छा सुर है इसका और आप बहुत अच्छे तरीके से आप इसको बजाते हैं। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये सफर अब तक का यहाँ का कैसा रहा और किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? जी मैम, जब मैं 7-8 साल का था तभी मैंने ये रबाब लिया था, घर में ही लिया था। जो मेरे फादर हैं उन्हीं ने मुझे सिखाया, उन्होंने भी अपने फादर से सिखाया, मैंने भी अपने फादर से सीखा है घर में। तो मुझे 5-6 साल हुए ये बजाते हुए। पहला प्रोग्राम मैंने 2020 में किया था पुणे में, जब मुझे भाई मर्दाना नेशनल अवार्ड मिला था।
वहीं से मेरी जर्नी हुई। फिर मैंने बहुत सारी स्टेट में परफॉर्मेंस की, लखनऊ, मुंबई, ऐसे पुणे पुणे में भी, दिल्ली में जी भी, बहुत ट्वेंटी सारी G20 में भी मैं था। मैंने G20 में भी पार्टिसिपेट किया था, मेन G20 जो था दिल्ली में। जी बिल्कुल। अशफाक जानना चाहेंगे कि किसने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, किसके आपने किसी को देखा, कब आपके मन में आया और कब आपने इसकी शुरुआत की? मैम, जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को देखकर, जब वो बजाते थे, मैं उनको देखकर मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि मुझे भी बजाना है। फिर मम्मी ने एक बार पापा को बोला कि इसका भी शौक है, इसको भी सिखाओ। फिर पापा ने मुझ में खूबी देखी और फिर उन्होंने बोला कि ये भी सीखेगा। फिर जब मतलब फिर पापा और मम्मी की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट रहा है, मतलब ये रबा बजाने का। जी बिल्कुल। अशफाक जानना चाहेंगे कि आपके उस्ताद का क्या रोल रहा है आपको सिखाने में, मतलब किस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया और कब कब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? मेरे उस्ताद, मतलब मेरे जो फादर है, वो मुझे हर टाइम सिखाते थे। जब मैं बैठता था, रबाब पकड़ता था, तो ये मुझे हर टाइम सिखाते थे। जब मैं जब सीख रहा था, मैं, वो मुझे हर टाइम सिखाते थे, ये ऐसे करो, ऐसे करो। इनका फुल सपोर्ट रहा है मुझ पर। जी बिल्कुल। अशफाक, इसके दौरान आपकी जो पसंदीदा गज़ल हैं, नज़में हैं, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, वो आपसे सुनना चाहेंगे कुछ लाइन्स। ओके, पसंदीदा अगर आप कुछ गाकर सुनाएं, कोई नज्म या कोई गजल जो आप इसके साथ गुनगुनाते हों। गुनगुना अशफाक, हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ अगर आप कुछ गाकर भी सुनाएं तो वो बंद यो पापा।
ठीक है इश्फाक, रबाब के साथ साथ आपकी आवाज भी बहुत सुरीली है। अच्छा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिलेगा, इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप उनसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें बोलेंगे? मैं जब उनसे मिलूंगा तो मैं मेरी बात यही होगी कि मतलब जो मेरे फादर है उनको वो जो मेरे ग्रैंडफादर है उस्ताद गुलाम कादिर भट्ट या उस्ताद सनाउल्लाह भट्ट या मेरे फादर है उनको मतलब कोई अवार्ड नहीं मिला है। वो हालांकि फेमस रबाब है कश्मीर के, फेमस रबाब नवाज है कश्मीर के, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला है, तो उनको भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है इश्फाक, इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके मुस्तकबिल के लिए ढेर शुभकामनाएं।